हम लोग हायर परचेज में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। बुक कौन सी यूज हो रही है आपको पता है? एसएन शुक्ला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे आप, सीपी पता है क्या आपको कितने की है? आप चेक करो, हायर परचेज प्राइस पता है आपको 3730 है ना। डीपी भी आपको पता है 730, कोई दिक्कत यहां तक? 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है रुपीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवेन है इसमें 8% पर एनम। अगर ईयरली है क्या कह, क्या कर दोगे? 4% हाफ ईयरली बोल सकते भी नहीं। तो कैलकुलेशन करिए भाई, चलो अगर आप चेक करो कैश प्राइस कितने का है, ये बात तो सबको क्लियर है। हमेशा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग किस प्राइस पर करते हैं? आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो दिया होता है, पहले समझ लो फिर लिखोगे सब लोग। आप चेक करो यहां पर डाउन पेमेंट कितने का है हमारा, 730 रुपए। अगर इसको माइनस कर दें हम लोग तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बैलेंस में है, 2670 रुपए। हम लोग क्या कर सकते हैं, 2670 रुपए का 8% के रेट से 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, 108। इसको आप राउंड अप करके कितना लिख सकते हो, 107। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमारी इंस्टॉलमेंट कितने की है, 600 रुपए की है। इसमें से हमने इंटरेस्ट का पैसा माइनस कर दिया जो कितना है, 107 रुपए। तो हमारे पास 493 यहां माइनस कर दो, ठीक है। माइनस करने के बाद हमने तुमको पढ़ाया था कि देखो बेटा इंस्टॉलमेंट में से अगर इंटरेस्ट का अमाउंट आप माइनस कर दो तो क्या जाता है, प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को आप यहां माइनस कर दोगे, पहला प्रिंसिपल कितने का है, 2177। तो हम लोग 2177 का 8% के रेट से 6 मंथ के लिए कैलकुलेशन करेंगे, कितना आ जाएगा ये, 80 भी बोल रहे हो तुम लोग ना, 87 ही मान लो इसको राउंड अप करके, ठीक है। हमारा इंस्टॉलमेंट कितने का है, 600 का है, 87 माइनस कर दिया बचा कितना, कोई दिक्कत। फिर हमने यहां से सेकेंड प्रिंसिपल माइनस किया जो कितने रुपए का है, 513 का। अगर 513 आप लेस कर दो, हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितने का बचा, 1664 का। फिर हम लोग क्या करें, 1664 का 8% के रेट से 6 मंथ का कैलकुलेशन करेंगे, कितना आ जाएगा ये, हमारा इंस्टॉलमेंट कितने का है, 600 का है, 67 माइनस कर दो कितना आ जाएगा ये, नोट कर लो पहले यहां पर।
हो गया भाई। थर्ड प्रिंसिपल अगर माइनस कर दो जो कितने का है, तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा? तो 1131 का 8% के रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो गया? 45 0.24 से मतलब छोड़ दो, 600 में से हमने माइनस कर दिया 45, कितना आ गया ये 555 आ गया। ठीक, हम लोग फोर्थ प्रिंसिपल माइनस कर दें 555, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आ गया 600 की 576 अगर आप माइनस कर दोगे तो बचा कितना अमाउंट आपके पास 24 रुपया। 600 रुपये में से 24 माइनस कर दिया तुमने, यहाँ प्रिंसिपल कितना आया तुम्हारा 576। नोट कर लो यहाँ तक, हो गया। हो जाएगा बता दीजिएगा। नाइन्थ नंबर पर आएंगे इसके बाद हम लोग। हो गया बेटा, चलिए अगला अपने से करिए आप लोग। सब लोग अगला सवाल अपने से करिए, चलिए। अतुल हो गया आपका, आते हम लोग नाइन्थ पर।
क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय एन्यूटी मेथड। ठीक है, चलो ध्यान दो सब लोग। हायर परचेज सिस्टम से 1 अप्रैल 2011 को कोयली कंपनी ने परचेज किया वैगन 5 ईयर पेबल बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट। देखोगे 5 इंस्टॉलमेंट है, ₹7,000 ईच। क्लियर है भाई? कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, 5% पर एनम। फिर डेप्रिसिएशन का रेट है, अभी हम लोग डेप्रिसिएशन पर बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग केवल बात करें इंटरेस्ट पर, 10% पर एनम। देखोगे एन्यूटी वैल्यू है 1 रुपी फॉर 5 ईयर का एट 5% पर 4.329477। हमने आपको एन्यूटी मेथड बताया है, इस लाइन का मतलब यह कि 1 रुपए की वैल्यू 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, कितने, ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छा। सिवाय आपको कैलकुलेट करना है यहां पर सीपी, आपको कैलकुलेट करना है यहां पर इंटरेस्ट, आपको कैलकुलेट करना है यहां पर एचपीपी। चलिए शुरू हो जाइए। हमने आपको एक फॉर्मूला इसमें बताया था, सब लोग ध्यान दो, हमने क्या बताया था, सीपी इज इक्वल टू डीपी प्लस इंस्टॉलमेंट इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये अदर मेथड बताए, यहां पर मैंने सीपी इज इक्वल टू क्या बताया था, एन्यूटी मेथड में डीपी प्लस इंस्टॉलमेंट इनटू एन्यूटी वैल्यू। आज पहली क्लास में नहीं थे क्या तुम? अभी क्यों डीपी यहां चेक करो, है इंस्टॉलमेंट है 7,000 की 5, एन्यूटी वैल्यू कितनी है 4.9477, कितना आ गया ये 30, ये आ गया आपका सीपी। कोई दिक्कत की बात, नोट करें पहले। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, आप चाहो हायर परचेस प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो, यहां पर डीपी प्लस इंस्टॉलमेंट इनटू, एक काम करो इसको लिख दो हायर परचेस प्राइस, चलो लिखो तो हायर परचेज प्राइस कितनी है बेटा, अगर आप ध्यान दो डीपी है नहीं, 7,000 की इंस्टॉलमेंट है, कितनी तो कितनी हो गई है, टेबल भी नहीं आता तुझको, हाँ मुझको 37 सुनाई दिया। चलो नोट कर,
अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैसे होगा? जैसे पहले मेथड में, अभी पिछले मेथड में तुमने किया, करो सब लोग। क्या लिखा है? 5%। अबे वही तो अभी मैं बता रहा था, एक रुपए की वैल्यू पांच साल में 5% के रेट से कितनी है? ये एन्यूटी वैल्यू है। लॉग ऑफ पढ़े थे तुम लोग कभी? लॉग नहीं पढ़े थे ना? टाइम वैल्यू ऑफ मनी फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कि नहीं? वही है ये। एक रुपया अगर रखो हर साल, कितना हो गया? 5 रुपया हो गया कि नहीं हो गया? बट पांचवे साल उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई ना, वही बात ये बता रहा है। और भी कोई लॉग होता है क्या? हम भी बता ही रहे हैं। हो गया ना, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तुम। इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, शुरू हो जाओ। लग गया भाई? देखो सीपी तो पता है, पता हो गया ना? अब माइनस कर दिया तुमने डीपी, वापस में ही आ गया। फिर ध्यान रखो फाइव परसेंट का रेट है, पॉइंट थ्री, तो राउंड अप कर दो इसको, यही कर दो, ठीक है ना? इंस्टॉलमेंट कितने की आपकी? माइनस 1515। कितना आ गया बेटा? पिछले में भी यही किए थे हम लोग। पिछले में देखो आपको कैश प्राइस पता था, बट यहां कैश प्राइस नहीं पता होगा तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। अब क्या करोगे इसके बाद? प्रिंसिपल आपको पता चल गया ना पहला वाला, कितने का? 5485 का। आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है? जो कि फिर 24821, इसका 5% कैलकुलेट करो, कितना? वेरी गुड, 7000 रुपये में से माइनस कर देंगे 1241, कितना आ जाएगा? 5759, वेरी गुड। सेकेंड प्रिंसिपल माइनस किया हमने,
5759 आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आ गया? 19062। तो 19062 का 5% कैलकुलेट करोगे आप लोग, ठीक है। आपकी इंस्टॉलमेंट आपको पता है कितने की है, माइनस कर दोगे 953 जीरो, फिर थर्ड प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया तुम्हारा 13015। तो 13015 का 5% कैलकुलेट किए, सेवन थाउजेंड में से माइनस कर दिया 650, माइनस कर दिया हमने फोर्थ प्रिंसिपल 6350। आराम से स्वाति बेटा, आराम से। तो हमारे यहाँ बैलेंस कितना बच गया, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया। आपको इंस्टॉलमेंट पता है कितने की है, माइनस ये कर दिए कितना आ गया इंटरेस्ट का अमाउंट, तो 7000 में से माइनस कर दो, अमाउंट कितना आ गया आपका, वेरी गुड, चलो नोट कर लो सब लोग। क्या यहां तक आपको बात क्लियर है, कोई दिक्कत हो बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने से करिए, चलिए। चलो भाई करो, सेम पैटर्न पर है, वहां पर तो इंस्टॉलमेंट नहीं पता है ना। अगर इंस्टॉलमेंट ना पता हो तो आप कैसे करोगे, तो देखोगे यहां पर इंस्टॉलमेंट पता करना है कि नहीं, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एन्यूटी वैल्यू। कैश प्राइस कितने की है, 1,20,000। ये धीरे बोला करो, एक ही लोग बोला करो, कितनी इंस्टॉलमेंट है, सॉरी इन्वेंटरी वैल्यू बताओ, 485। कितना आ गया लगभग, 49,999.... आ रहा था। तो इसको हम लोग राउंड अप कर देंगे, क्या आ जाएगा ये 50,000। तो हमारी यहां पर देखो इंस्टॉलमेंट क्लियर हो गई कि नहीं, कितनी है, तीन, कितने रुपए की, पेड कैसे है ये, ईयरली।
सीपी भी पता चल गई ना तुमको कितने की, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवेन है, अब आप कैलकुलेट करो इंटरेस्ट। चलो भाई निकालो, सीपी पता है बेटा सबको, दिया है ना, माइनस करो कि डीपी है, अगर हम लोग 124,343 का 10% के रेट से कैलकुलेशन किए तो 12,434.30 आ गए हमारे। हमारा इंस्टॉलमेंट कितने का है आपको पता ही है, 50,000 का है, हमने यहां से माइनस कर दिया, कितना आ गया ये 66, राउंड अप करके 0.3 को मैंने हटा दिया। ये बात क्लियर है आपको, हमने फिर यहां से माइनस कर दिया पहला प्रिंसिपल 37,566 का है, तो कितना है भाई ये 89,777 ना, ना लाइक नहीं तो 10/100 कितना आ रहा बेटा ये 8,977.7। इसको आप राउंड अप करके 8,978 भी लिख सकते हो। आपको पता है इंस्टॉलमेंट आपकी कितने की है, माइनस कर दिया हमने 8,978, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40,022। एक मिनट रुक जाओ, क्या कह रही है 56 होगा भाई, ये कैलकुलेशन गलत कौन बताया भाई, सही है कैलकुलेटर से कर रहे हैं, कैलकुलेटर चलो देख लो भाई, तुम लोग अपना कैलकुलेट करो, मोबाइल निकाल लो, कितना है साहिल, ये सैटरडे नाइट फुल टाइट थी, चलो ठीक है बेटा, हमारी सुनने में गड़बड़ी होगी, खुश चलो कोई बात नहीं।
माइनस करो कितना आ गया, अब ठीक है ना। सेकेंड प्रिंसिपल माइनस कर दो, 41,322, 45,000, 55, शाबाश बेटा। 50,000 में से माइनस कर दोगे 45,455, कितना आ गया ये, 45. नोट कर लीजिए यहां तक। पचास हजार की इंस्टॉलमेंट है, ये इंटरेस्ट हो गया आपका, ये प्रिंसिपल आ गया, ये पी वन है तुम्हारा, ये पी टू है, ये कैसे कैलकुलेट होगा, पी टू का मतलब प्रिंसिपल नंबर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर। एक सेल्फी ले सकते हैं आप इसकी अपने। आजकल लोग लिख कम रहे हैं, सेल्फी ज्यादा ले रहे हैं। अब यहां तक जिसको ना समझ में आया वो बताए हमको। समझ में आया कुछ, कैलकुलेट कर लोगे इसमें। देखो कोई बड़ी बात नहीं, जो अमाउंट आपने दे दिया उसको माइनस कर दो, जो बच गया आप उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। ठीक है भाई, पेपर बताने बैठे हम यहाँ कि हम तुमको कॉन्सेप्ट पढ़ाने बैठे। कह रहा है न्यूटी का आएगा।